हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट्सएप से भेजा गया डॉक्यूमेंट को आप कैसे सही तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एडोब फोटोशॉप में जाना होगा, एडोब फोटोशॉप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको जिस फाइल को आप सही तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं उस फाइल को आपको खोलना होगा। तो उस फाइल को ऑन करने के लिए फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं, ओपन में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस फाइल को, जिस डॉक्यूमेंट को आप सही तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके देन ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर टूल बॉक्स में से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली सी प्रेस कर सकते हैं या फिर इसको क्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली इसको क्रॉप कर लीजिए, सही तरीके से क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के समय में एक बात की ध्यान रखनी है कि ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, इसको पूरी तरह से क्रॉप नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस होनी चाहिए, ऊपर में खाली रखना है। उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस करना है या तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट कुछ ऐसे देखेगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे लेयर में आना है। लेयर में आप देख सकते हैं लेयर लॉक किया गया है, यहाँ पे लेयर लॉक है। तो इसको अनलॉक करने के लिए, लेयर को अनलॉक करने के लिए सिंपली माउस में से मतलब डबल क्लिक करना है। लेयर को अनलॉक करने के लिए माउस में से डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सिंपल इसको ओके करना है। जैसे आप ओके कीजिएगा ये अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक हो गया है मेरा लेयर। जैसे अनलॉक हो जाएगा आपको सिंपली कंट्रोल प्लस टी को प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस टी कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस टी जैसे क्लिक कीजिएगा अब हो गया। अब कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने के बाद फिर से आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और इसको सिंपली ड्रैग करना है। आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को फिट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके रखना है तभी ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से डॉक्यूमेंट को फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट फिट हो गया। उसके बाद सिंपली इंटर प्रेस कीजिए या तो फिर सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसको क्रॉप कर लेते हैं ताकि डॉक्यूमेंट हमारा अच्छी दिखे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो सही तरीके से फिट हो गया। और सिंपल इसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन या फिर न्यू में जाके एक सिंपली पेज लेंगे। पेज लेने के बाद मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रिंट कर लेंगे और ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट तैयार। तो इसी तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को सही तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।